वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो भाई आज हमारे पास है न्यू आइटम, यानी ग्रैंड आइटम से जो पुराने वाला मॉडल है वो वाला, और इसमें हम है ना प्रॉपर आर्मरेस्ट लगाने वाले हैं। पहले भी इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, कुछ क्वेरीज हैं जो पहले सॉल्व नहीं हुई थी वो सारी आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। ये वाला है ओल्ड आइटम न्यू आइटम, सबके अंदर जो है ये सेम ही होता है आर्मरेस्ट जो है, और ग्रैंड आइटम का जो है वो डिफरेंट आता है। अब इसके अंदर क्या है, एक दो प्रॉब्लम रहती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये सीट एडजस्ट करने वाले जगह है वो इधर की बजाय थोड़ा उधर है। तो एक बार सेंटर कंसोल दिखा देते हैं और एक बार आपको दिखाते हैं फिर इसमें ये लगेगा कैसे। ये है इसका सेंटर कंसोल कुछ ऐसा, यहाँ पे इसमें चार्जिंग पॉइंट होता है, यहाँ तक आपका आर्मरेस्ट आता है तो वो आराम से यूज हो जाता है। ये वाला हिस्सा जो है पूरा नीचे का, जो अगर आप देख पा रहे हो इसमें कुछ ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाता है, लेकिन इसको आप साइड से तार निकाल के इसको यूज कर सकते हो इस तरीके से। और कुछ ऐसा है, बैक साइड से एक बार दिखा देते हैं और फिर से आर्मरेस्ट आपको लगा के दिखाते हैं। इसमें ये हो गया, इसमें बैक साइड से तो आर्मरेस्ट जो है वो इस पॉइंट तक आएगा और यहाँ तक वो पूरा कवर कर लेगा। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है इसको आगे तक करने की वो भी आपको इसमें रख के दिखा देते हैं। ब्लैक कलर का इसमें ये वाला आर्मरेस्ट है, ये आप लगा सकते हो, दो कलर इसमें मिल जाएंगे ब्लैक और बेज। इसकी आप शेप देख सकते हैं, बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है, कोई किसी गाड़ी का इसमें नहीं आता, ये गाड़ी बिल्कुल अलग है इसकी वजह से, क्योंकि सीट एडजस्ट करने वाले जो है वो दोनों अंदर की साइड है तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है अगर आप इसमें कोई यूनिवर्सल वाला लगाते हैं। तो एक बार आपको इसमें अभी ब्लैक कलर लगा के दिखाते हैं, बाकी बेज कलर भी मिल सकता है वो आपकी चॉइस है, तो आपको ये भी रख के दिखा देते हैं और फिर जो दो तीन इसके सवाल हैं उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए सर रख लेते हैं हम एक बार इसको कैसे लगाना है। लगाने का तरीका इसका बिल्कुल वही सिंपल सा है, दोनों सीटों के बीच में इसको फंसाना ही होता है खाली, कुछ इस तरीके से ये इसमें आ जाएगा कुछ ऐसे करके। वो सीट थोड़ी सी अभी पूरी की पूरी है ना आगे हुई हुई है इसमें, और ये यहाँ तक इसमें आ गया है इस पॉइंट तक कुछ ऐसे। चार्जिंग पॉइंट को आप इसमें खोल के कुछ इस तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं। नीचे एक सेकेंड, नीचे आप इसमें देख पा रहे होंगे तो चार्जिंग पॉइंट इसमें कुछ इस तरीके से यूं का यूं बच जाएगा, लेकिन बाकी जो सारी जगह है वो ढक जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है ना, एक हमारे पास जो कॉमन क्वेश्चन इसमें आ रहा था, ये सीट अभी थोड़ी आगे है उसको भी आप यूज़ करके दिखा देते हैं। बैक साइड से हाथ डाल के इसको आप सीट को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो पीछे वाली को, और आम जो हैंड ब्रेक है इसमें वो आराम से यूज़ हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसको आगे करना चाहो तो वो इसमें पॉसिबल नहीं होता, एक पॉसिबिलिटी है वो आपको करके दिखा देते हैं, लेकिन उससे क्या होगा फिर जो हैंड ब्रेक की जगह है वो काफ़ी कम हो जाएगी ऐसा करने की वजह से। एक बार आपको वो भी करके दिखाते हैं और बैक साइड से इसका जो लुक है वो दिखा देते हैं। कुछ ऐसा लगता है ये पीछे की साइड से, कुछ इस तरह से इसकी जो फिटिंग है वो होती है। एक बार इसको ऊपर रख के दिखाते हैं, इसके अंदर लगा लेते हैं एक बार और फिर देखते हैं आगे हैंड ब्रेक की जगह कितनी बचेगी। करो सर एक बार, हमने ये वाला वैसे ट्राई किया है, ये वाला इसमें ठीक से काम नहीं करता। अगर इसको हम और आगे करने की कोशिश करें ना इसके अंदर यहाँ पे रखें तो उसकी जो फिटिंग है वो फिर ये ऐसे जैसे हमने इसके अंदर रख दिया। अब आप एक बार इसको आगे से देखिए, अब इसमें जो दिक्कत आती है वो ये आती है ये वाली। आप चाहें अगर आप हैंड ब्रेक ना यूज़ करते हो लेकिन वो थोड़ा ज़बरदस्ती सा रहेगा, तो अगर आपको ठीक लगे अगर हैंड ब्रेक यूज़ ना करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन 100% हैंड ब्रेक को नहीं दबाना चाहिए, ये कभी भी काम आ सकता है। तो इसकी जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो यही है कि इसको पूरा का पूरा यहाँ पे इस पॉइंट तक रखा जाए, इस पॉइंट तक यहाँ अगर इसको रखा जाएगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली फिट आएगा। आप चाहें तो आगे कर सकते हैं लेकिन वो रिस्की है, हम आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे। अब इस पॉइंट पे क्या है, देखिए आप इसके अंदर इस पॉइंट पे अगर आप बैठते हैं तो हैंड ब्रेक भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हाथ रखने के लिए भी अच्छी खासी जगह है। सीट को कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी आपको एक बार इसमें दिखा देते हैं। इसमें सीट को सर एक बार एडजस्ट करके दिखाना उधर वाली को। अब देखिए ये जो है ना ये सीट बक्कल जो है ये बीच में आ गए हैं दोनों साइड से, तो आपको ये पीछे की साइड से हाथ करके, ये तो लगी गया आर्मरेस्ट तो इसके अंदर पीछे की साइड से हाथ करके आप कुछ इसको इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो आराम से, यूं कुछ इस तरीके से आपको अंदर की तरफ से इसमें हाथ रख के इसको एडजस्ट जो है वो करना पड़ेगा। दोनों साइड से ऐसे ही होगा, पीछे की तरफ से हाथ निकाल के कुछ इस तरीके से इस पॉइंट से आप इसको ऐसे आप देख पा रहे हैं जो ये कर सकते हैं, तो इस तरीके से परफेक्टली ये वाला भी काम करता है, ये वाला भी काम करता है। और इसको इससे ज़्यादा आगे हम लेके नहीं जा सकते, ठीक है सर, इससे ज़्यादा हम इसको आगे लेके नहीं जा सकते, नहीं तो फिर ये कवर हो जाएगा। आप चाहें तो उसको करेंगे तो उसमें दिक्कत ही है। हमारे हिसाब से जो परफेक्ट इसकी सबसे ज़्यादा पोजिशन है वो यही है। एक बार सीट को इसके एग्जैक्ट पॉइंट पर रख देते हैं, करना पीछे।
तो ये वाला जो पॉइंट है आप कह सकते हो कि आपको आर्मरेस्ट में इसमें मिलेगा, और इससे बढ़िया इसके अंदर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो ये सीट बकल्स अंदर की साइड, ये सीट को यूज़ करने वाले ये वाले जो पॉइंट हैं ये अंदर की साइड हो गए हैं, और आगे से इसकी शेप का डिफरेंस आप देख ही सकते हो, इसलिए इसमें कोई भी जो यूनिवर्सल आर्मरेस्ट है वो ठीक से काम नहीं करता। इसमें खाली यही वाला मॉडल आ सकता है, ब्लैक और बेज इसमें दो कलर आपको मिल ही जाएंगे। लगाना आसान है, आपने देखा ये अभी एक मिनट के अंदर आप खुद से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। बाकी इसके बारे में कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट करके उसकी डिटेल हमसे ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कार एक्सेसरीज, कार रिव्यूज की इसी तरह की लेटेस्ट डिटेल वीडियो देखते रहने के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।